नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। शराब माफिया का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि अब लोगों को घरों से उठाना शुरू कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दशरमन के वर्दी घाट में वृद्ध गुल्ली आदिवासी, जो कि वहां पर लगे खेतों की देखरेख का काम करता है, अचानक रविवार को शराब कंपनी के लोग चार पहिया वाहन में आकर उसकी झोपड़ी में घुसकर धमकाते हुए गाड़ी जबरदस्ती बैठा लिया और बाजू में उसके ही बहू की झोपड़ी जहां पर वो अकेली थी वहां पर भी शराब कंपनी के गुर्गे घुसकर अभद्रता करने लगे। महिला किसी प्रकार से वहां से उनके चंगुल से छूटकर भागी। गुल्ली आदिवासी ने बताया कि शराब कंपनी में से बबलू नामक व्यक्ति मेरी झोपड़ी में घुसकर मुझे मारने की धमकी देते हुए मेरा अपहरण कर लिया और मेरी बहू के साथ भी अभद्रता की, जिसकी शिकायत मैंने अगले दिन से लौंडी पुलिस चौकी सकी है। यही कहाँ रहते हैं आप? ये मेरे क्या करते हैं? गाड़ी आई और आके यहाँ मेरे मरीज जमा घुस के देखे कुछ नहीं, फिर जबरदस्ती में गुंडागर्दी से जो मेरे को उठा के ले गए वहाँ बहू के घर तक गए, बहू को भी लग रहा और वहाँ से आके मेरे को गुंडागर्दी से उठा दी। काहे में रहे जी? मैं कितने लोग रहे होंगे? तीन लोग। पहचानते हो किसी को? हाँ। कौन है? अब मैं नाम तो नहीं जानता जी, पर मैं उनको शक्ल देखूंगा तो पहचान लूंगा। अच्छा। हाँ, कलारी वाले थे भाई, आके मेरे को गुंडागर्दी की पकड़ो, उस लड़के को उठा के ले चलो भाई। बहू तो वहाँ मरी जमे थी तो उनके पास गए तो वो भी चोरा झटका झटकत रहे और ये लोग मेरे को यहाँ से गुंडागर्दी से उठा के ले गए। किसी का नाम जानते हो? नाम एक का शायद कहते हैं बबलू है नाम। कहाँ ले गए थे फिर? मेरे को यहाँ से घुमा के ले गए सिलौड़ी, एक पूरे में घुमाते रहे आए। कितने घंटे रहे होंगे उनके पास? कम से कम एक दो घंटे, दो तीन घंटे रहे हैं और ये मेरे को मारने के बीच धमकी देते रहे, मार इसको बांध के नदी में फेंक दो सारे के। अच्छा, इस प्रकार से मेरे को धमकी दे रहे। चौकी में क्या हुआ फिर? चौकी में ये है कि वहाँ गए, मेरे को बैठाए रहे, पूछते रहे कि तुम बेचते हो क्या करते हो, तो साहब जब मैं कुछ नहीं करता तो मैं क्या बता दूँ, मैं कहता रहा था मेरी मानते ही नहीं रहे। तकाई करते हो क्या? जी